स्टार्ट करते हैं एट्थ क्लास ज्योग्राफी चैप्टर टू से, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सॉइल के बारे में। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। मतलब कि एक पतली सी लेयर जो होती है जो अर्थ की सरफेस को कवर करके रखती है, और ग्रेनी सब्सटेंस मतलब जैसे कि दानों से बनी हुई चीज़ें, ठीक है। बहुत सारे, अगर आप मिट्टी उठाओगे तो आपको फील होगा उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उससे जो बनी चीज़ें होती हैं उसको हम बोलते हैं सॉइल। इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू लैंड, यानी कि सॉइल बहुत ज़्यादा लिंक्ड होती है, क्लोजली लिंक्ड होती है लैंड से, ठीक है। लैंड फॉर्म डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल, किस तरह का लैंड है, ठीक है, प्लेन है, माउंटेन एरिया है, वहाँ पे क्या चीज़ें हैं, उससे डिपेंड, उससे फ़र्क पड़ता है कि सॉइल किस टाइप की है। सॉइल इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल एंड वेदर्ड रॉक फाउंड ऑन अर्थ। अब सॉइल बनती कैसे है, ऑर्गेनिक मैटर से, कई सारे मिनरल और रॉक्स जो होती हैं, बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं, रॉक्स होते हैं, जब वो वेदर्ड हो जाते हैं, मतलब वो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो आपकी सॉइल बन जाती है। दिस हैपन थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, कैसे होता है, वेदरिंग प्रोसेस से होता है। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल, अगर मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर सही तरीके से सॉइल में प्रेजेंट है तो उसकी वजह से सॉइल फर्टाइल बन जाती है। फर्टाइल मतलब कि प्रॉपर, जिसे कहते हैं ना कि जिससे न्यूट्रिएंट मिलता है प्रॉपर, जिससे प्लांट अच्छे से उग जाए, उपजाऊ। नाउ वेदरिंग, द ब्रेकिंग ऑफ एंड डिके ऑफ एक्सपोज रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंज, फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन एक्टिविटी। जब एक्सपोज रॉक, यानी धीरे धीरे अगर कोई रॉक का पार्ट है वो टूटेगा, वो डिके होगा, लाइक सूखेगा या छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज हो जाएगा, बाय टेम्परेचर चेंज, मतलब टेम्परेचर के चेंज होने से, फ्रॉस्ट के एक्शन से, प्लांट से, एनिमल से और ह्यूमन एक्टिविटीज से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये आपका वेदरिंग प्रोसेस है। नाउ लैंडस्लाइड की बात करते हैं, ये पढ़ना ज़रूरी है बिकॉज इसके ऊपर पूरा का पूरा पार्ट लिखा हुआ है। लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक डेब्रिस और अर्थ डाउन अ स्लोप। लैंडस्लाइड होता क्या है, जब एक रॉक या जो भी मिट्टी वगैरह है वो पूरी की पूरी नीचे आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक फ़ोटो दे रखी है, बहुत क्लियर नहीं है, इसको जूम करके दिखाती हूँ। ये ऊपर का लैंड का पार्ट है जो नीचे आ गया है, ठीक है। तो लैंडस्लाइड में एक्चुअली यही होता है, दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजंक्शंस विद अर्थक्वेक, फ्लड एंड वॉल्केनो। लैंडस्लाइड वगैरह कब होते हैं, कई बार अर्थक्वेक जब आता है, वॉल्केनोज जब आते हैं, उसी के साथ ये चीज़ें होती हैं। अ प्रोलॉन्ग स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन कॉज हैवी लैंडस्लाइड दैट कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर फॉर क्वाइट सम टाइम। कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी गिरने से, रेनफॉल होने से हैवी लैंडस्लाइड हो जाता है, जो क्या कर देता है, रिवर के फ्लो को ब्लॉक कर देता है। जब रिवर बहरी होती है उसको ब्लॉक कर देता है कुछ टाइम के लिए। द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक्स कैन कॉज हैवॉक टू द सेटलमेंट डाउन स्ट्रीम ऑन इट्स बर्स्टिंग। यानी कि अब क्या होता है कि समझ लीजिए आसपास की चीज़ें टूट के रिवर में इकट्ठी हो गई, तो रिवर का फ्लो रुक गया। उसके बाद क्या होता है, जो ये रिवर ब्लॉक्स फॉर्म हुए हैं, मतलब कि जो रिवर में जो बहने में जो उसको प्रॉब्लम होगी, जो ब्लॉक बन गए हैं जिससे रिवर बह नहीं पा रही है, उससे नीचे के जो सेटलमेंट वगैरह हैं उन पर असर पड़ेगा। इन द हिली टेरेन लैंडस्लाइड हैव बीन अ मेजर एंड वाइडली स्प्रेड नेचुरल डिजास्टर दैट ऑफन स्ट्राइक लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड ऑक्यूपाई अ पोजिशन ऑफ मेजर कंसर्न। अगर हिली टेरेन की बात करें, यानी हिली एरियाज की बात करें, तो लैंडस्लाइड वहां पे एक मेजर मतलब नेचुरल डिजास्टर है जिसकी वजह से काफी दिक्कत आती है। क्या होता है, वो प्रॉपर्टी को प्रॉपर और जो पोजीशन, जैसे वहां पे उस लैंड में जहां पे भी ये लैंडस्लाइड हो रहा है वहां पे काफी डैमेज क्रिएट करता है, ठीक है। नाउ अ केस स्टडी, अ मैसिव लैंडस्लाइड हिट पांजी विलेज नियर रेकोंग पियो इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड डैमेज अ 200 मीटर स्ट्रेच ऑफ ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड नेशनल हाईवे 22। एक बहुत ही बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था पंजी विलेज के पास किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल प्रदेश में, जिससे क्या हुआ था, जो नेशनल हाईवे 22 है वो बहुत डैमेज हो गया था। दिस लैंडस्लाइड वॉज ट्रिगर्ड बाय इंटेंस ब्लास्टिंग एट पंजी विलेज। यानी कि क्या हुआ था, ये लैंडस्लाइड क्या हुआ था, वहाँ पर ब्लास्टिंग कर रहे थे, जब जगह बनानी होती है, कई बार जब कोई डैम बनाने होते हैं ब्लास्टिंग वगैरह होती है, तो उसकी वजह से क्या हुआ था, ये जो लैंडस्लाइड है इसकी ये उसका कारण ही ये ब्लास्टिंग था। ड्यू टू ब्लास्टिंग दिस वीक जोन ऑफ स्लोप कोलैप्स्ड एंड
कॉज्ड इंटेंस डैमेज टू द रोड एंड नियर बाय विलेजेस। ब्लास्टिंग की वजह से जो वीक जोन था, जो एक्चुअली उस ब्लास्टिंग को झेल नहीं पाया, वो क्या हो गया, कोलैप्स हो गया, पूरा गिर गया और उसने रोड और नियर बाय विलेजेस में काफ़ी डैमेज किया। द पंजी विलेज वॉज कम्प्लीटली वैकेटेड टू अवॉइड एनी पॉसिबल लॉस ऑफ लाइफ। उस टाइम पर क्या किया गया था, पंजी विलेज को पूरा खाली करा दिया गया था ताकि कोई भी लॉस ना हो लाइफ का, कोई भी नुकसान ना हो। ठीक है, मिटिगेशन मैकेनिज्म। एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक्स हैज़ एम्पावर्ड अस टू अंडरस्टैंड व्हाट फैक्टर कॉज लैंडस्लाइड एंड हाउ टू मैनेज देम। यानी कि साइंटिफिक टेक्निक्स के अच्छा होने से, बेटर होने से, पहले से एडवांस होने से हम लोग अब कई सारे फैक्टर्स अच्छे से समझ पाते हैं कि किन चीज़ों की वजह से लैंडस्लाइड होता है और हम उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं। सम ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक्स ऑफ लैंडस्लाइड्स आर एज फॉलो। अगर हमें देखना है कुछ मिटिगेशन टेक्निक तो वो क्या क्या है, हज़ार्ड मैपिंग टू लोकेट एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड। ऐसे एरियाज को लोकेट करें कि भाई जहां हमें लगता है कि लैंडस्लाइड होने के चांसेस हैं उनको हम पहले से ही लोकेट करके रखें ताकि ऐसे एरिया में हम लोग ज़्यादा बिल्डिंग और सेटलमेंट एरियाज ना बनाएं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टेप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग। जब लैंड स्लिप होता है, अगर आप एक रिटेंशन वॉल काइंड ऑफ बना दो, आप ये देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रक्चर में, एक सेकेंड, ये देख रहे हो, ये रिटेंशन वॉल है। इससे क्या होगा, दोबारा से अगर कुछ ऊपर से लैंडस्लाइड होगा तो वो नीचे ज़मीन पे नहीं गिरेगा, वो वॉल उसको मतलब बचा लेगी। तो रिटेंशन वॉल इज़ अ वेरी गुड मेजर। तो अगर आप प्रिवेंट करना चाहते हो, उस एरिया के वेजिटेशन कवर को बेटर बनाओ। इसका रीज़न क्या होता है, जब वेजिटेशन अच्छा होता है तो सॉइल को रूट्स पकड़ लेती हैं अच्छे से, ठीक है, तो लैंडस्लाइड होने के चांसेस नहीं रहते। द सर्फेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलॉन्ग विद रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लोज। अब क्या होता है, सरफेस में अगर पानी चला गया, ठीक है, तो क्या होता है, लैंडस्लाइड कंट्रोल हो जाता है क्योंकि रेन वाटर वगैरह अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगा मिट्टी में और कोई भी डैमेज नहीं हो पाएगा। देखिए, वेजिटेशन होने से और सॉइल अच्छा अगर पानी को अब्जॉर्ब कर लेती है तो काफ़ी हद तक लैंडस्लाइड के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि जिस सॉइल पे वेजिटेशन नहीं होता वहाँ ईजिली क्या कहते हैं, लैंडस्लाइड हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर मिट्टी पिसलेगी तो कुछ उसको रोकेगा नहीं, जो कि प्लांट और ट्रीज के केस में उसको रोक लेते हैं। नाउ सॉइल प्रोफाइल दे रखी है, सबसे पहले एक पेरेंट रॉक दे रखी है, फिर वेदर्ड रॉक मटेरियल, ठीक है, फिर सब सॉइल विद सैंड सिल्ट एंड क्ले, और ये टॉप सॉइल होती है जिसमें ह्यूमस होता है, फर्टाइल सॉइल होती है, प्लस वेजिटेशन काफ़ी अच्छा होता है। हाँ, सिर्फ 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल बनने के लिए 100 साल से ऊपर लग जाते हैं। नाउ अगर हम सॉइल फॉर्मेशन की बात करें, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। अगर हमें देखना है कि सॉइल फॉर्मेशन कैसे हो रही है तो दो चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है, पेरेंट रॉक जिससे सॉइल बन रही है वो किस टाइप की है और वहाँ का क्लाइमेटिक फैक्टर कैसे हैं। अदर फैक्टर्स आर द टोपोग्राफी, वो एरिया कैसा है, वहाँ पे रिवर है क्या है, ये सब चीज़ें टोपोग्राफी में आती हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल कैसे हैं और टाइम कैसा लग रहा है सॉइल फॉर्मेशन में, ये सारी चीज़ें जगह टू जगह डिफ़र करती है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे एक जगह पे कंडीशन अगर अच्छी है जहाँ पे सॉइल जल्दी फॉर्म हो रही है तो दूसरी जगह भी वो होगी। हो सकता है वहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगता हो। कुछ फोटो यहाँ पे एक आपको मैप माइंड दे रखा है, माइंड मैप दे रखा है, इसको एक बार देख लेते हैं। पेरेंट रॉक डिटरमाइन कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट एंड परमीएबिलिटी। मतलब जो भी पेरेंट रॉक होगी उससे पता चलेगा कि सॉइल का कलर क्या होगा, टेक्सचर किस तरह की होगी, सॉफ्ट होगी या बीच में मटेरियल थोड़ा कोर्स मटेरियल होगा, मोटा मटेरियल होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज और कंटेंट, ये सारी चीज़ें पेरेंट रॉक से पता चलती हैं। उसके बाद आते हैं रिलीफ पे, एल्टीट्यूड्स एंड स्लोप डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। मतलब कहाँ हाइट है, स्लोप किस तरह का है, वो डिटरमाइन करता है कि सॉइल किस तरह से एक्यूमुलेट होगी, इकट्ठी होगी, मतलब एक साथ होगी या गिरने वाली स्टेज में होगी, वो सब चीज़ों पे। फ्लोरा फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देखिए जो ये ह्यूमस है ना, ये क्या बनाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सॉइल के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो जब भी कोई ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज होता है मरने के बाद तो उससे ही ह्यूमस बनता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उससे पता चलता है कि ह्यूमस फॉर्मेशन मतलब किस तरह का होगा।
क्लाइमेट, क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट है. वाई? टेम्परेचर, अगर वहाँ पे टेम्परेचर गर्म है, सॉरी ठंडा है, जो भी जिस टाइप का टेम्परेचर है वो चीज़ें. रेनफ्लुएंस, रेनफॉल इन्फ्लुएंस मतलब कि रेनफॉल का क्या असर है, कितनी बारिश हो रही है. उसके अलावा टेम्परेचर, रेनफॉल, जितनी भी चीज़ें होती हैं, प्लस ह्यूमस फॉर्मेशन किस तरह से होता है, और वेदरिंग, चाहे वो विंड से हो चाहे वो रेन से हो, इन चीज़ों से अफेक्ट होता है कि सॉइल फॉर्मेशन कैसे होगा. नाउ टाइम डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉइल, सॉइल प्रोफाइल. जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा उतनी ज़्यादा सॉइल मतलब फॉर्म होगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 साल लगते हैं 1 सेंटीमीटर सॉइल को बनने के लिए, तो जितना टाइम आप छोड़ दोगे उतने टाइम में क्या होगा, सॉइल फॉर्म. आज हमें जो सॉइल दिख रही है बेसिकली वो बहुत हज़ारों साल पहले स्टार्ट हो गया था, उसको बनाने का काम नेचर ने खुद स्टार्ट कर दिया था, जो आज हम देख पा रहे हैं. ठीक है, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग आगे के टॉपिक पढ़ेंगे. डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स, यानी कि सॉइल किस वजह से डिग्रेड होती है, ख़राब होती है, और किस तरह से हम उसको कंजर्व कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं. सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज अ रिसोर्स. देखिए, सॉइल हम देख रहे हैं, लेकिन सॉइल इरोजन यानी कि सॉइल की ऊपर की लेयर उड़ जाना, जो सबसे फर्टाइल लेयर होती है वो ख़त्म हो जाती है, दैट इज़ ऑल्सो अ मेजर थ्रेट टू सॉइल एज अ रिसोर्स. सॉइल के लिए वो काफ़ी मेजर थ्रेट है. ठीक है, बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल. अगर हम बात करें ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स, दोनों के दोनों, यानी ह्यूमन की वजह से जो फैक्टर्स इंड्यूस होते हैं प्लस कई नेचुरल फैक्टर, इनकी वजह से क्या होता है, सॉइल डिग्रेडेशन हो सकता है. फैक्टर विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन एंड डिफॉरेस्टेशन, ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से सॉइल को डैमेज होता है, सॉइल कम होती है, प्लस डिफॉरेस्टेशन, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती है सॉइल को, उसको वन बाय वन पढ़ते हैं. डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों का हटना, जब आप पूरे पेड़ हटा दोगे, डिफॉरेस्टेशन काट दोगे सारे पेड़, तो विंड ईजिली सॉइल को रिमूव कर पाएगी, प्लस अगर वाटर वगैरह क्या कहते हैं आएगा, या कुछ भी ऐसे फैक्टर जिससे स्टॉप मोस्ट सॉइल उड़ सकती है, वो बहुत फास्ट होगा, क्योंकि पेड़ हमको होल्ड करके रखते हैं सॉइल को, और जब वो नहीं रहेंगे तो ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम हो सकती है. ओवर ग्रेजिंग, अगर गाय भैंस ज़्यादा चरेंगे तो क्या होगा, वो जितने भी प्लांट वगैरह सॉइल के ऊपर हैं उसको ख़त्म कर देंगे और रूट से उखाड़ देते हैं, तो फिर उसके बाद सिर्फ टॉप लेयर बचती है, कोई वेजिटेशन नहीं बचता. केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को यूज़ करके, जो कि पेड़ों में डाले जाते हैं किसी भी चीज़ को, कोई पेस्ट को ख़त्म करने के लिए, उनको ओवर यूज़ करना बहुत गलत है. रेन वॉश, बारिश से, प्लस लैंडस्लाइड्स और फ्लड्स से सॉइल को बहुत नुकसान होता है. कुछ मेथड्स जो हैं सॉइल कंजर्वेशन के, वो क्या हैं, वन बाय वन करके वी विल गो थ्रू देम. मल्चिंग, मल्चिंग दे रखा है, द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ, इट हेल्प अस टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर. इसने क्या बोला कि क्या करते हैं, जो बेयर ग्राउंड होता है प्लांट्स के बीच में होता है, उसको ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि स्ट्रॉ वगैरह उस सबसे भर देते हैं. ठीक है, अब इससे क्या होगा, सॉइल गीली रहती है, सॉइल मॉइस्चर रहेगी तो, मॉइस्चर रहेगी तो उड़ेगी नहीं ईजिली पानी के साथ, या फिर जो हवा आएगी उसको लेके नहीं जाएगी. ठीक है, कॉन्टेर बैरियर्स, कॉन्टेर बैरियर्स की बात करें तो स्टोन ग्रास सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलॉन्ग कॉन्टेर्स, ट्रेंचेज आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर. यहाँ पे फोटो नहीं दिखा रहा कि ट्रेंचेज वो होते हैं जिससे क्या होता है, थोड़ा पानी इकट्ठा हो जाता है, प्लस स्टोन्स वगैरह को यूज करके, ग्रास वगैरह को यूज करके एज बैरियर यूज करते हैं ताकि मिट्टी उड़े ना. उसके बाद आते हैं रॉक डैम पे, रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर. क्या करते हैं, रॉक को इकट्ठा कर देते हैं एक जगह पे ताकि जो पानी का फ्लो है वो कम हो जाए, जिसकी वजह से क्या होता है, होल वगैरह जो स्पेस बनती है मिट्टी के अंदर, ताकि जिससे पानी फ्लो होता है वो नहीं हो पाता. फिर है टेरेस फार्मिंग, ये तो फोटो भी दे रखी है, ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेसेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप सो दैट फ्लैट सर्फेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स, दे रिड्यूस सर्फेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन. एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक आपको ऐसा एक मैं लैंड दे रही हूँ, ठीक है, और मैं आपको इसी के ऊपर कर रही हूँ, एक ऐसा लैंड दे रही हूँ, तो पानी अगर आप यहाँ से छोड़ोगे तो इसमें तो बहुत मुश्किल से नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा. ठीक है, ब्लू पेन से दिखा देती हूँ क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए. आप ऐसे करोगे तो क्या होगा, पानी यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो इस तरह के प्रोसेस में पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा. अब एक लैंड ये वाला ले लेती हूँ, पानी गिरा तो पानी तो साथ जाएगा ही जाएगा, और साथ में जो सॉइल है उसको भी ले जाएगा.
तो ये प्रोसेस डिफरेंस आ जाता है टेरेस फार्मिंग में कि सीढ़ियाँ टाइप बन जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है क्रॉप्स भी अच्छे से ग्रो हो पाती है। ये ना अगर आप माउंटेन एरियाज में जाओगे आप बहुत क्लियरली देख पाओगे कि वहाँ पर टेरेस फार्मिंग कैसे होती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इंटरक्रॉपिंग की। आप डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करो, लाइक डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेट रोज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइप्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करो, दो चीज़ें होती है, उससे न्यूट्रिएंट लॉस्ट भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक क्रॉप ग्रो करी है और वही क्रॉप ग्रो करते रहोगे तो वो एक तरह का न्यूट्रिएंट पूरा ख़त्म हो जाएगा सॉइल में से, बट डिफरेंट क्रॉप करने से वो चीज़ भी श्योर रहती है कि ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, क्वांटिटी और प्लगिंग। प्लगिंग यहाँ पे देखो, ये आप देख सकते हो, प्लगिंग पैरलर टू द कॉन्ट्योर ऑफ हिल स्लोप टू फॉर्म नेचुरल बैरियर्स फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप, अकॉर्डिंगली कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस टाइप के स्ट्रक्चर को, जस्ट अ मिनट देखिए, इसमें क्या करते हैं एक काइंड ऑफ बैरियर लगा देते हैं बीच बीच में। जैसे यहाँ पे तो सीढ़ियाँ बनाते हैं, इसमें इतना एफर्ट नहीं होता, बट नेचुरल बैरियर लगा देते हैं ताकि पानी जो जाएगा वो सूख जाएगा, प्लस सॉइल जा नहीं पाएगी अपनी जगह छोड़ के। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रो प्लगिंग के अंदर आता है। फिर आता है शेल्टर बेल्ट। कोस्टल या फिर ड्राई रीजन में ट्रीज़ की रोज प्लांट करते हैं, ऐसे जैसे ट्री की आप रो देख रहे हो ना, ये प्लांट की जाती है ताकि विंड मूवमेंट को चेक किया जा सके। विंड मूवमेंट को चेक करने से मतलब है कि सॉइल कवर उड़े ना। अगर आप देखो एक खुला लैंड है और एक ऐसा लैंड है जहाँ पे आसपास ट्रीज ही ट्रीज हैं, तो जो खुला लैंड होगा वहाँ से अगर हवा आएगी तो सॉइल उड़ा के ले जाएगी, लेकिन अगर आसपास ट्रीज हैं तो उसको वो सॉइल को जाने नहीं देंगे। तो शेल्टर बेल्ट्स काइंड ऑफ तरीका होता है ताकि आसपास पूरे उस एरिया में ट्रीज प्लांट कर देते हैं ताकि विंड को कंट्रोल कर लें, विंड मूवमेंट को कंट्रोल कर लें। ठीक है, ये नेक्स्ट पार्ट हमारा वाटर है जो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो बेसिकली इस पार्ट में हम लोगों ने देखा कि सॉइल फॉर्मेशन कैसा होता है, लैंडस्लाइड जो सॉइल से रिलेटेड होता है, उसके अलावा कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम सॉइल को कहते हैं ना क्या कहते हैं ख़राब होने से, डिप्लीट होने से, सॉइल इरोजन होने से बचा सकते हैं। तो ये था पार्ट 2 8th जियोग्राफी का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके अलावा आप डायरेक्टली मेरे चैनल पर 8th क्लास के मतलब प्लेलिस्ट पे या होम पेज पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे 8th क्लास के नीचे आपको सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट मिलेगी जहाँ पे आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।